हेलो गाइस, सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रॉयल एनफील्ड मुजस्मो। इस बार थोड़ा सा आपको लुक्स डिफरेंट दिखने को मिलेगा। जो मेरी पुरानी वीडियो थी, थोड़े से डिकल्स नए लग गए हैं इसमें। तो बात आज इस बारे में होगी कि ये चीज़ जो है एवियल इंजन, इसके आपको स्पेयर पार्ट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, और कार्बोरेटर वगैरह कहाँ से, या मतलब ठीक हो सकता है या कुछ इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि इंडिया में इसका कुछ मिलता नहीं है ज़्यादातर। जो आपको कोई चीज़ नेट पे अगर सर्च करनी है इसके बारे में, तो मुजस्मो नहीं मिलेगा आपको। तो मुजस्मो की जगह आपको जो है इसका इलेक्ट्रा नाम लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रा नाम के आगे आपको या तो स्पोर्ट्समैन लगाना पड़ेगा, या XR, या कुछ 500 इलेक्ट्रा AVL लिखना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग नाम है बहुत सारे, तभी इसका कोई सामान आपको मिल सकता है ईबे पे। ईबे जो है UK की साइट है, वहाँ से मिलेगा, वैसे कहीं नहीं मिल सकता इसका सामान। और तो ज़्यादा अभी इसका कुछ मिलता भी नहीं है। 350 जो है इंजन उसका, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। 500 का फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको इंडिया में। बट इसका ये फ़ायदा है कि एक एक ही इंजन है, ऑस्ट्रिया का जो है इम्पोर्टेड इंजन। जो 500 AVL इंडियन था वो अलग था, इसमें वो इंडियन था, वो ये ऑस्ट्रियन मॉडल है, इम्पोर्टेड इंजन है ये वाला। तो इसका थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा सामान आपको। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि कहीं ना कहीं से कोई चीज़ इसकी पता चलती रहे, अलग अलग तो मिलता रहे। नॉर्मली जो 500 आपको चाहिए उसका AVL इंजन का सामान, तो आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे। इलेक्ट्रा XR, नहीं, इलेक्ट्रा XR जो है 350 इंजन है, इसमें स्पोर्ट्समैन मिल जाएगा, क्लबमैन, सब में इलेक्ट्रा नाम लगा लगेगा आगे। और लास्ट वाला है जो एक और नाम है इलेक्ट्रा X नाम करके है, वो भी 500 AVL इंजन के साथ ही आता था। इंग्लैंड में आता था, इंडिया में नहीं था। इंडिया में जो इलेक्ट्रा है वो कास्ट आयरन ही था, बट वो उसका टाइमिंग चेन अलग था। तो यही चीज़ें हैं इसके बारे में, ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। बट ये बहुत ही हाई स्पीड इंजन है। और अगर चीज़ें इसके बारे में आपको पता करनी होंगी तो आप कमेंट कर देना नीचे, लाइक और शेयर कर देना इस बाइक को। और इसका जो कार्बोरेटर है, ये है स्पेको कंपनी का, PHBM इसका नंबर है, 28 लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेको इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका एक दूसरा भी आता है और नया वाला भी लग जाता है, बट उससे क्या है कि जो इसकी प्रॉपर 50 की माइलेज है जो, वो नहीं आएगी, कम हो जाएगी थोड़ी सी, 40 की हो जाएगी। और इसका एक और भी आता था, उसका अभी नाम नहीं मुझे पता है, तो मैं अगर मिलेगा तो शॉर्ट्स में डाल दूंगा वो चीज़। अभी उसके बारे में मुझे श्योर भी नहीं है कि कौन सा था। वो 4 स्पीड गेयर बॉक्स में लगता था साथ में, उसके बाद ये वाला आ गया था कार्बोरेटर। बट ये थोड़ा सा अभी ख़राब है, आपको दिख ही रहा होगा, रस्टिंग हो रखी है इसमें, बहुत सारी जम चुका है मिट्टी वगैरह। और इसका जो वायर है, जो ये क्लच वायर, ये मेरा अभी थोड़ा सा ख़राब है। ये इलेक्ट्रा का लगा हुआ है, मुझे इसमें या थंडरबर्ड की अगर मिल जाए आपको तो वो लगवाना। इलेक्ट्रा की वायर थोड़ी सी इसकी जो एडजस्टमेंट छोटी है, जिसके कारण रुकता नहीं है टायर पूरा इसका, ये प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी अभी। और जो इसका ये जो बेंड पाइप है और ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट स्टॉक ही है इसकी, ऐसी ही आवाज़ आती थी पहले से, क्योंकि ये इम्पोर्टेड इंजन है तो इम्पोर्टेड में ऐसा ही आता था इसका सारा। तो दिस इज़ द एंड, होप यू गाइज लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट बिलो। अगर कोई सामान आपको चाहिए इसका, कुछ मतलब पता चलना करना हो इसके बारे में कि कहाँ से मिलेगा ये चीज़। इस इंजन का मेन डिफरेंस ये था कि इसकी जो ट्रेन ड्राइव है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। और आज का भी अगर आप कोई बुलेट देख लें और पुराना भी देख लें कास्ट आयरन वाला, उनकी सबकी राइट हैंड साइड होगी चेन ड्राइव जो है सारी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए थोड़ा सा ये तेज़ है और ये लाइट वेट है, इसके कारण भी ये थोड़ा सा कास्ट आयरन से तेज़ है। UC से तो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितना तेज़ होगा ये, क्योंकि इसका थोड़ा सा अभी गियर बॉक्स ख़राब है, तो रेस तो लगा नहीं सकेंगे इसमें, तो वो कभी अभी वीडियो आएगी नहीं उसकी। तो AVL इंजन थोड़ा सा तेज़ था, बस यही डिफरेंस था कि ये थोड़ा सा हाई स्पीड इसको बोल देते हैं। और इसका टॉप स्पीड आपने देखा ही होगा पुरानी वीडियो में, कि
इसकी 135 था, मैंने बताया था उसमें 130 या 135 है, इसके ज़्यादा नहीं है। डिफरेंसेस हैं इसमें थोड़े से, टाइमिंग चेन का अलग है सिस्टम, इसमें AVL है, एल्युमिनियम बर्न है, और एल्युमिनियम होने के कारण ये महंगा है बहुत ज़्यादा। इंपोर्टेड ड्यूटी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, बट ये एल्युमिनियम होने के कारण ज़्यादा महंगा आया करता था। और जो 500 AVL था वो इंडियन था, और थोड़ा सा वो हैवियर होने के कारण वो स्लो था। और जैसा कि मैंने बताया कि 500 AVL इंडियन था, और जो फॉरेन में स्पोर्ट्समैन नाम का इलेक्ट्रा आता था उसमें अलग था इंजन थोड़ा सा। 500 AVL उसकी 22 की हॉर्स पावर थी, और इंडिया वाले की 20 की हॉर्स पावर है कुछ ऑलमोस्ट, और इसकी तो 18 की है, बट फिर भी ये थोड़ा सा तेज़ है। ये डिफरेंस था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये फ्यूल एफिशिएंट और लॉन्गेविटी इसकी ज़्यादा, क्योंकि एल्युमिनियम चीज़ की जो है लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है। ये इतना डिफरेंस इसमें बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये सारे अलग अलग इलेक्ट्रा थे उस टाइम के, आप देख ही सकते हैं। और ये जो ऑस्ट्रिया के 500 इंजन थे, इनका हॉर्स पावर थोड़ा डिफरेंट था, देख सकते हैं। और ये वीडियो मैंने अपने सब्सक्राइबर पे कहने पे बनाई थी, उनका नाम है अर्जुन, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे, और उनको बहुत पसंद है मजस्मो, तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो थी।